बढ़ती गर्मी को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे विद्युत आपूर्ति में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए विद्युत कर्मचारियों द्वारा चोरी की सूचना पर कुछ जगह छापेमारी की गई, जहां के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि आज सुबह नगर पंचायत साहनपुर के मोहल्ला मेमरान के कुछ घरों में बिजली कर्मचारियों द्वारा अचानक पहुँचने से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। मोहल्ला मेमरान के स्थानीय निवासी जुबेर ने बताया कि घर में महिलाएं सो रही थीं, तभी अचानक बिना किसी सूचना के विद्युत कर्मचारी आए और अंदर घर में घुस गए। वहीं दूसरे उपभोक्ता मोहम्मद रिजवान ने बताया कि सुबह सुबह बिना सूचना के कुछ विद्युत कर्मचारी आए और बिजली चेकिंग के लिए उनके घर में घुस गए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों को इस तरह से बिना परमिशन के किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। इस संबंध में SDO मलखान सिंह ने बताया कि कुछ अधिकारियों के आदेशों पर साहनपुर, मोटाम और अन्य जगहों पर मॉर्निंग रेड के आदेश दिए गए थे और लगभग 20 से 22 जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 6 जगह विद्युत चोरी पकड़ी गई। SDO मलखान सिंह ने बताया कि बिना परमिशन के किसी घर में नहीं घुसा गया, बल्कि कुंडी खटखटाकर और घर के मालिकों के सामने छापामारी की गई। उन्होंने विद्युत विभाग की टीम पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके डिपार्टमेंट द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की गई। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद आसिद। छोटा नंबर बैठा हूँ वाली गाड़ी, बीच वाली में सात गाड़ी है देखो आई सामने नाम कमी जाने के पास में चोरी करना है भैया, समझ गया। उसके बच्चों को मारो इसको। कोई पूरा बहुत चल क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। कहाँ रहते हो? मोहल्ला मेमरान। क्या घटना घटी है सुबह ये? सुबह कोई लगभग 6 बजे की बात है, मैं नमाज के लिए 5:30 बजे गया था मस्जिद में, मुझे वहीं झपकी लग गई। तो मेरे बच्चे घर पर कोई नहीं, मेरा एक लड़का एक लड़की थी और ये बिजली वाला है और आगे मेरे पीछे ही चेक करने लगे। चलो इनका मैं मानता हूँ इनका काम चेक करना है बिजली, तो इन्हें किसी पड़ोस वालों को लेना चाहिए था। मेरा घर पर बच्चे अकेले थे या किसी मेरे भाई को और हमारे और अंदर घर है बुलाते चेक करना इनका काम है। ऐसे थोड़ा ना कि किसी के घर डायरेक्ट घुसता। अब चेकिंग अभियान था तो सिर्फ मेरे ही घर क्यों था या एक मेरे पड़ोस में घर है इनका क्यों था? पूरे मोहल्ले की चेकिंग होनी चाहिए थी। जब चेकिंग इनकी थी तो पूरे मोहल्ले की ना चेकिंग। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ ये कभी भी आते हैं और बिना पूछे, लड़की घर पर अकेली रहती, बच्चे अकेले रहते, ये बिना पूछे क्यों घुसते हैं? तो जो टीम आई थी बिजली विभाग की, उसको कुछ मिला है? ना कुछ नहीं मिला। कोई चोरी की लाइट नहीं है? नहीं है। चलिए, चोरी की लाइट होती तो ये मेरा कनेक्शन काट गया। चलिए चलिए ठीक। हम तो ये चाहते हैं कि तुम चेक करना हो किसी पड़ोसी को ले लो, दवा बनाओ भाई कि देखो ये चोरी की लाइट जला रहा है। चलो धन्यवाद। तो आप यहाँ के वार्ड सभा सदस्य हैं? वार्ड सभा सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 12। क्या हुआ, कैसे घटना हुई है? घटना ये हुई है, सुबह 6 बजे का टाइम था, मैं घर में सोया हुआ था और बिजली वाला आया घर के अंदर और वो डायरेक्ट चले गए। आने के बाद मैं इन लड़कों के घर में इन्होंने खटखटाया, इन्होंने दरवाजा खुलवा दिया और वो अंदर चले गए डायरेक्ट। उन्होंने ये देखा लेडीज घर में सोई हुई है क्या नहीं है। घर में इनका भाई नहीं था, कोई नहीं था, इनकी माँ थी और बहन थी। उसमें मैंने उनको डांटा भी, SDO थे सलमान और जय साहब थे, रामानंद जी जैसे जय साहब थे, शमशेर था और 8-10 लोग और थे साथ में। तो पूरी टीम आई थी? पूरी टीम आई थी। चलिए ठीक। तो ये लोग यहाँ के जो है इनसे यहाँ पे इनकी तलाशी वलाशी नहीं है, वो कराए इनको समझे ऐसा घर में कोई नहीं था किसी भी। और पंडित तरफ जो पीछे वाले थे बाहर था, मिला मुझे सुबह, फुरकान है हमारे मोहल्ले के लड़के हैं तो रफी प्रधान लड़के हैं, उनके घर में भी गए, वो उससे पहले उनके यहाँ गए, वो तो नमाज हो रही थी, वो नमाज में थे, उनकी बेटी घर में थी अकेली और एक छोटा लड़का था घर में। उस बच्चे को बुलाया, मतलब जो लड़के ने कहा मेरे पापा यहाँ नहीं है,
वो लोगों ने घर भी चेकिंग करके वो घर में नहीं माने हो, घर में घुस गए हो। तो अब आपका आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसका जो है निर्णय रखा जाए कि मतलब ये क्यों ऐसे आ रहा है, इनका बाप को परमिशन थी क्या थी यहाँ पाए, बड़ी थी तब बताए। जी क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? ये जो लाइट वाले आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर आप लोग की लाइट वाले बिना पूछे घर में आ गए, कैसे घटना कैसे हुई है? कौन आए थे? बिजली वाले थे। कितने लोग थे? वो थे 12-14। किस टाइम? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। कौन कौन थे? अच्छा आप ये सब लोग आ गए, आपको उठ सोते हुए अंदर पहुंच गए सब ये? अच्छा ठीक। घर में लेडी से सो रही बिना पुछ कुंडी खोल के एकदम घर में बढ़ रहा है, क्या मतलब है लाइट का ऐसे घर में आना का? अब कुंडी आवाज मार के जावे बंदा, जब पता चले तो घर में आ भी जावे, बिना पुछ घर में आकर बढ़ रहा है। जुबेर नाम है मेरा, मोहल्ला में इमरान चढ़ू मैं। देखिए मैं का नाम मोहम्मद रिजवान है, मोहल्ला में इमरान पर रहने वाला हूँ। रात 5 बजे से पहले ही बिजली वाले आए फजर के जान पे, वरना बिना सूचना और ऐसे ही घर में घुस गए। गर्मी का मौसम है, कैसे बड़ा आदमी किसी पता ही नहीं, हाँ कोई सूचना भी नहीं दी, ऐसे ही चेक इन कर रहा है और चेक इन में कुछ निकला नहीं, और वैसे लोगों को परेशान कर देते हैं। जा उसका प्रतिबंध लगाया जाए। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।